नमन रावत जी। नमन जी नमस्कार सर, सवाल पूछिए। हेलो जी सर, मेरा मेरा क्वेश्चन है, मेरे पास ना 1467 शेयर्स हैं टाटा मोटर्स के, जिसका ओके हाँ एवरेज पे है 953 रुपये के एवरेज पे है पर शेयर। हाँ तो क्या बताओ, विचार क्या है आपका, कितने दिन रखना चाहते हैं या तुरंत आवाज सर बेचना आपकी चाहते? आवाज बहुत कम आ रही है। हेलो, हेलो हेलो हेलो, तो चलिए आपका सवाल आ गया है। गावा सर, टाटा मोटर्स 1467 शेयर हैं 953 के प्राइस पे, अभी भी इनको फ़ायदा है। अगर इनको मान लीजिए रखना है तो ठीक फैसला है या प्रॉफिट बुक करना चाहिए? देखिए, रखना है तो रखिए, क्या तकलीफ है। टाटा मोटर्स स्टॉक बढ़िया है, 1000 के आसपास बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, आपने सही जगह पे लिया है। नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से टाटा मोटर्स अब भी बढ़िया स्टॉक है, होल्ड करना चाहिए। डर के बेचना नहीं चाहिए, पर बेचना है तो जब अच्छा आपको मिल रहा है, भाग रहा है, तब बेचते रहिए। अब डर के मत बेचिए, होल्ड कीजिए। डर के मत बेचिए। चलिए अगला सवाल पीयूष का है, लुधियाना से। पीयूष जी नमस्कार, सवाल पूछिए। हाँ पीयूष, पीयूष लग रहा टीवी देखने मस्त। चलिए इनका सवाल छोड़ देते हैं फिर। अगला सवाल रिजवी का है, अलीगढ़ से। रिजवी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? कौन सा बोल रहे हैं भैया, किससे बात करनी है? भैया आपने सवाल पूछना था शेयर पे। हाँ शेयर पे सवाल मैंने पूछा और मैंने फैसला भी ले लिया। आप फैसला बता रहे हैं, क्या करें जब हालात इतने खराब थे, तो मैंने पूछा उस वक्त कि अब मैं APL अपोलो ट्यूब्स का मैं क्या करूं, मेरे पास 160 शेयर हैं। अभी हैं आपके पास कि बेच दिया आपने? मैंने 100 शेयर बेच दिए, अभी कितने बचे हैं? 60 बचे हैं। 60 बचे हैं और प्राइस आपका 1564। जी, 1564 पे 60 बजे। कल क्या डर के मारे जल्दबाजी में बेच दिए क्या? नहीं, जल्दबाजी में नहीं बेचा है, तो ऐसा नहीं बजा, मानी बात है कि इस वक्त के जो इंटरनेशनल हालात हैं उसके अकॉर्डिंगली बेचा है। ओके गावा सर बताइए भाई, APL अपोलो ट्यूब्स में क्या करना चाहिए रिजवी को? देखिए, APL अपोलो ट्यूब का जो मूव मिला है फ्रॉम 150 से 1800, बहुत बढ़िया है। देखिए इतना दौड़ा है, उसके बाद साइडवेज थोड़ा आएगा तो नॉर्मल है, स्ट्रक्चरली ठीक है। ऐसे इनकी कॉस्ट थोड़ी हाई थी इसलिए थोड़ा डर गए, लेकिन मेरे ख्याल से स्टॉक बढ़िया है, कंटिन्यू होल्डिंग इट फॉर लॉन्ग टर्म। ओके ठीक है जी साहब, ये एक्शन है आपके लिए। चलिए अगला सवाल लेते हैं, पीयूष जुड़ गए होंगे अगर फिर से तो। नहीं जुड़े पीयूष। योगेश कुमार नई दिल्ली से। योगेश जी बताइए। SBPL के शेयर ले रखे थे मैंने, किसके लिए रखे? सोम दृष्टि। नहीं दोबारा बताइए फिर, समझ नहीं आया। सोम दृष्टि, सोम दृष्टि, सोम डिस्टिलरीज। हाँ बताइए। SBPL बनता ना? हाँ, बताइए सवाल बताइए पूरा कैसे। वो शेयर ले रखे थे, 280 रखे हैं मैंने और 450 अलग दे रखे हैं, 730 ले रखे हैं, वन सेवन थर्टीन की एवरेज है। 113 के एवरेज से। गावा सर बताइए सोम में क्या करना है इनको? क्या कर रहा है? हाँ बहुत दौड़ा है, फ्रॉम करीब 10 रुपया से 140, साइडवेज जोन पर है, थोड़ा पेन है, लेकिन मेरे ख्याल से ये स्टॉक होल्ड करना चाहिए, बढ़िया स्टॉक है, सेक्टर सही है। सोम जी का बेसिक चार्ट सेक्टर बढ़िया है, फिर एक अपू शुरू होगा, नथिंग टू वरी। मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कीजिए, बिल्कुल। लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गावा सर गोदरेज प्रॉपर्टीज। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।